जिला सिरमौर के पोका पंचायत में लोग आजादी के 72 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। रियाय इस गांव में रहने वाले लोगों तक सरकार की ओर से चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंच सकता, जिसके चलते इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई समाधान नहीं निकाला गया। ग्रामीणों के बीच सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो है सड़क मार्ग की। बात यह है कि 70 साल से आज तक पैदल रास्ता भी सरकार की ओर से हमारे गांव के लिए नहीं निकाला गया। पैदल रास्ते के लिए भी हम मजबूर हैं। हम उसी जगह हैं जिस जगह से आज से पिछड़ापन से मानव लोग रहते थे, जंगली लोग रहते थे, हम उसी जंगली लोगों की तरह व्यतीत कर रहे हैं। और सारा गांव यहाँ पर दुखी लोग हैं। और सरकार के पास, किसी की भी सरकार के पास, हमने हर जगह मांग करते रहे, वोट देते रहे, पर सरकार ने हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। 70 साल बीत जाने के बावजूद भी जिला सिरमौर का एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर आज भी सड़कें नहीं पहुंची है। ग्रामीण दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। यहां के जो दोनों दलों के नेता है झूठे वादे देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी तो यह है कि जो यहां के बाशिंदे हैं इनको आज भी अपने बीमार लोगों को कंधे में उठा कर ले जाना पड़ रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ का जो प्रशासन है जितनी बार भी समस्या का समाधान के लिए गुहार लगाई जाती है सब अनदेखा कर रहे हैं। बताना चाहूँगा कि जो ये गांव है, यहाँ के जो लोग लगभग कई लोग अपने यहाँ पर गांव छोड़कर जा चुके हैं, प्लान कर चुके हैं। बताना चाहूँगा कि मात्र इक्का दुक्का घर अब यहाँ पर बचा हुआ है। स्कूली बच्चों ने स्कूल छोड़ना बंद कर दिया है, लेकिन प्रशासन और जो यहाँ के दल है कोई इनकी और देख रेख नहीं कर रहा है। बताना चाहूँगा जो प्रदेश सरकार की योजनाएँ बना रही है कि किसानों की समस्याएँ दूर की जाएगी, लेकिन आज तक इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के जो किसान हैं अपनी मंडियों तक फसलें नहीं पहुँचा पा रहे हैं। पोटा साहिब से जनता टीवी, रॉबिन शर्मा।